हेलो एंड नमस्कार दोस्तों आज की डेट है ट्वेंटी मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर और हम यहाँ पे डेली बेसिस पे फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर प्लस वेरियस अदर न्यूज़पेपर्स प्लस गवर्नमेंट वेबसाइट्स प्लस वेरियस डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल पब्लिश होता है ना वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं डिटेल में प्रलिम्स परस्पेक्टिव से याद रखिएगा देखिए जो भी आपकी पी टी या जो भी ईयरली करेंट अफेयर आता है ना वो अभी हाल फिलहाल जनवरी या फेबररी तक का आता है लेकिन अब आखिरी में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप फेबररी के बाद का जो करेंट अफेयर है उसकी पीटी या ईयरली के लिए वेट कर सको तो मेरा मानना ये है कि आप उसको डेली बेसिस पे ठीक है चाहे पूरा टाइम नहीं दो 2x की स्पीड में देख लो या 1.5x की स्पीड में देख लो उसको डेली बेसिस में ही कवर कर दो जिससे आखिरी वक्त पे आपके ऊपर जो लोड है वो ना रहे नया पढ़ने का बस रिवीजन करने का टाइम रहे ऐसा ही स्ट्रैटेजी आप बनाना तो डेली बेसिस जो करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं उसकी अपनी ही एक इम्पॉर्टेंस है तो बिना देरी करें हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन हमारा पहला आर्टिकल है रिलेटेड टू इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट से संबंधित अभी 2024 की ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज़ किया गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन प्लस इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के द्वारा अभी ये रिपोर्ट एग्जामिन करती है जो भी यूथ एम्प्लॉयमेंट चैलेंज कर रहा है या चैलेंज फेस कर रहा है इंडिया में और जो भी एम्प्लॉयमेंट के चेंजेस हुए हैं ओवर द पास्ट टू डिकेट्स यानी कि पिछले 20 साल की बात करें तो तो इस रिपोर्ट की की फाइंडिंग्स क्या है यहाँ पे हम देख लेते हैं देखो जो एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ है वो रुका हुआ है यानी कि स्टैगनेंट था रुका हुआ था 2019 तक फिर ये जो ग्राफ है ये ऊपर गया पहले ऐसे था फिर ये ऊपर गया ठीक है अब ये जो ऊपर गया ना तो आपको क्या लग रहा है एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है हाँ देखो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रहा है लेकिन जो क्वालिटी है ना इस एम्प्लॉयमेंट की वो अच्छी नहीं है यानी कि वो पुअर क्वालिटी का एम्प्लॉयमेंट है जिसको हम इनफॉर्मल सेक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो करीब जो भी एम्प्लॉयमेंट हुआ है ये जो बड़ा है ग्राफ तो यहाँ देखिए नियरली 82% परसेंट जो पुअर क्वालिटी का एम्प्लॉयमेंट बड़ा है वो किस में है इनफॉर्मल सेक्टर में है जो वर्क है ना आपकी उसका स्लो और स्टेडी ट्रांजिशन हुआ है टू नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट यानी कि दो तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं फार्म एक्टिविटीज़ एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज़ ठीक है यानी कि खेतों पे काम कर लो या तो फिर आप खेतों के बाहर लेबर के तौर पे काम कर सकते हो ठीक है तो ये जो स्टडी ट्रांजिशन हुआ है टू नॉन फार्म एक्टिविटीज़ ये ना रिवर्स हो गया था यानी कि लोगों ने ये जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं यानी कि जो शहर आके काम कर रहे थे वो वापस से अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के पास चले गए कब हुआ ये कोविड पेंडेमिक के टाइम पे, ठीक है अब जो विमेन की बात कर लें विमेन है इनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बड़ा है लेकिन ज़्यादातर ये अनपेड फैमिली वर्क ही करती हैं जिसको हम कैर इकोनॉमी के नाम पे जानते हैं ना ये तो सिर्फ एक वर्ड है लेकिन आज भी आप सब जानते हैं कि फैमिली वर्क इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है वेजेस जो है अभी भी काफ़ी कम है और बल्कि ये स्टैगनेंट हैं और कम हो रहे हैं बढ़ने की बजाय जो वेजेस हैं आपकी सैलरीज हैं वो कम हो रही हैं लेबर प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये इंक्रीज हुई है यानी कि एक पर्सन या एक लेबर जो भी आउटपुट दे रहा है वो इंक्रीज़ हुआ है यानी कि जो भी आपकी कंपनीज़ हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है अब इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो लेबर है वो ऑलरेडी जो ऑलरेडी उनके पास लेबर थी ना, उसका यूज़ किया है या फिर कम वर्क फोर्स का यूज़ करते हुए उनकी प्रोडक्टिविटी को इनक्रीज़ किया है यहाँ पे क्या इसका मतलब हुआ कि जो एम्प्लॉयमेंट है इन कंपनी कंपनीज़ में वो बढ़ नहीं रहा है ठीक है क्यों क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है अब चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हैं यूथ एम्प्लॉयमेंट में इंडिया एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे है जहाँ पे यूथ की जो पॉपुलेशन है 2021 में वो 27% परसेंट थी और अब ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कम हो जाएगी 2036 तक यानी कि जो डिक्लाइन है वो हो जाएगा 23% परसेंट का एजुकेशन पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ जो कि लेबर फोर्स से बाहर हैं इनकी वजह से जो आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो काफ़ी कम है अमंग दी यूथ अब एक और पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है देखो एजुकेशन तो बढ़ रही है हमारे देश में लेकिन तब भी उस एजुकेशन के मुताबिक इम्प्लॉयमेंट मिलना जो है वो काफ़ी कम है प्रॉबिलिटी उन लोगों को काफ़ी कम है जो एजुकेशन कर रहे हैं लेकिन जो यूथ टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं जैसे इंजीनियरिंग हो गया है ना कंप्यूटर साइंस आईटी इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐसी एजुकेशन कर रहे हैं ना तो उनके बीच में जो एम्प्लॉयमेंट है वो ईज़ीली मिल जाता है लेकिन अगर नॉर्मल एजुकेशन की हम बात करें तो उनको एम्प्लॉयमेंट आसानी से नहीं मिलता है जो यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है यानी कि 2000 में 5.7 परसेंट था और अब 2019 की बात करें तो 17.5 परसेंट है देखो एक्चुअली ना फिगर को हम देखते हैं तो एज इट इज़ बेसिस पे नहीं लेते हैं देखो बहुत सारे कारण हो सकते हैं एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ने के क्या है एकदम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर लो है ना टेक्नोलॉजी जो आपकी ये प्रोग्रेस कर रही है तो ऐसे कई सारे जो फैक्टर्स हैं ये आपका क्या करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं इन डेटा को नेक्स्ट कौन कौन से की पॉलिसी एरियाज़ हैं जहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है देखो प्रोडक्शन और ग्रोथ जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा उनको ऐसा करना पड़ेगा कि वो एम्प्लॉमेंट इंटेंसिव हो यानी कि जो भी हम कंपनीज़ की बात करें जो भी हम कंपनीज और क्रिएट करें जो भी सेक्टर्स हम और क्रिएट करें वो ऐसे होने चाहिए कि उनको एम्प्लॉयमेंट देना मतलब जो सीट्स हैं एम्प्लॉयमेंट की वो खाली रह सके ठीक है वो और जनरेट कर सके एम्प्लॉयमेंट को जॉब की क्वालिटी को बढ़ाओ कैसे बढ़ाएंगे इमरजिंग सेक्टर्स हैं उनको उनमें इन्वेस्ट करके ठीक है और जो माइग्रेशन पॉलिसी है उसको इंक्लूसिव बनाओ बेसिक राइट्स को दिया जाना चाहिए हर एक माइग्रेंट को अभी भी हम देख सकते हैं मार्केट में कितनी ज़्यादा इनिक्वालिटी है यानी कि विमेन को हर एक तरीके की जॉब मिलना मुश्किल है प्लस उनके अगर हम पे स्किल की बात करें तो वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू मैन तो इस इनिक्वालिटी को ख़त्म करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसे सिस्टम्स को क्रिएट किया जाए जहाँ पे हम स्किल्स की ट्रेनिंग देख सकें और जो मार्केट में पॉलिसीज़ हों वो लेबर को और इंक्लूसिव कर सकें ब्रिज नॉलेज डेफिसिट ऑन लेबर मार्केट पैटर्न विद रिलायबल स्टैटिस्टिक्स यानी कि सेम बात है कि आप जो भी लेबर मार्केट है उनमें जो भी नॉलेज गैप है उसकी ट्रेनिंग देख सको ठीक है पहले उसका स्टैटिस्टिक देख लो कि कहाँ कहाँ लेबर ऑलरेडी मतलब कहाँ कहाँ किस एरिया में नॉलेज की डेफिशेंसी है तो वो पर्टिकुलर एरिया में उस लेबर को क्या किया जाए स्किल दी जाए तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा मिकॉन्ग रिवर से संबंधित मिकॉन्ग रिवर जो है यहाँ देखिए मैप में चाइना में ओरिजिन है इसका और ये यहाँ से फ्लो होते होते कम्बोडिया प्लस वियतनाम में अपना डेल्टा फॉर्म करती है यानी कि जो मिकोंग रिवर है अपने सबसे ज़्यादा फर्टाइल फॉर्म में कौन से देशों में रहती है कंबोडिया और वियतनाम में तो क्या हुआ ना वियतनाम में जो मिकॉन्ग डेल्टा रीजन है यहाँ पे काफ़ी सारे क्रॉप लॉसेस हो गए हैं क्यों क्योंकि ना सॉल्ट वाटर यहाँ पे घुस गया था यहाँ देखो अब ये जो रीज़न है ना इसको हम क्या कहते हैं यानी कि जो मेकोंग में सॉरी uh, वियतनाम में मिकोंग रिवर डेल्टा बनाती है इसको हम कहते हैं वियतनाम का राइस बॉल इम्पॉर्टेंट है देख लेना जो मिकॉन्ग डेल्टा है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल डेल्टा है पूरे एशिया में और ये सिचुएटेड कहाँ है कम्बोडिया और वियतनाम में थोड़ा सा और मिकोंग रिवर के बारे में जान लेते हैं ये लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे साउथ ईस्ट एशिया की इसका ओरिजिन जैसे हमने अभी देखा तिब्बतन फ्लाटों में है कौन कौन सी कंट्री से होके जाती है चाइना म्यानमार, थाईलैंड लाओस, कम्बोडिया वियतनाम लाओस के बारे में आपको पता होना चाहिए यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है कि ये लैंडलॉक कंट्री है ये जो मेकोंग रिवर है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है किस किस के बीच में म्यांमार और लाओस के बीच में और लाओस और थाईलैंड के बीच में इंपॉर्टेंट है माँ कर लो ये जो रिवर है ये साउथ चाइना सी में फ्लो करती है या फिर ड्रेन करती है और कौन कौन सी सिटीज़ इसके बैंक पे आती हैं नॉम पेन हो हीम सिटी एंड वे तो ये था आर्टिकल हमारा मेकोंग रिवर से संबंधित इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कुछ चीज़ें जो जानने लायक है वो मैंने बताई हैं और मैप तो हमेशा ही इम्पोर्टेंट होता है नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट से संबंधित ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है यूनेक्टेड यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अब इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या हैं देखो इंडिया का जो सरप्लस रहता है ना वो सर्विस सेक्टर में रहता है और अगर हम गुड्स की बात करें तो इंडिया डेफिसिट में चलता है ठीक है लेकिन हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया है बाय 14 परसेंट इन लेकिन अगर हम गुड्स एक्सपोर्ट की बात करें तो वो बल्कि डिक्लाइन हुआ है बाई सिक्स परसेंट ये इम्पोर्टेंट है देखो यहाँ पे ना प्रिलिम्स में आपको हो सकता है डेटा इतना इम्पॉर्टेंट ना हो लेकिन ट्रेंड बहुत ज़रूरी है जैसे सर्विस एक्सपोर्ट जो है इंडिया का वो बड़ा है और गुड्स एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन हुआ है जैसे कि हम सब जानते हैं इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका है क्यों क्योंकि आपको पता है यूएस चाइना वॉर में जो ट्रेड वॉर चल रही थी उसकी वजह से प्लस यूक्रेन में जो वॉर चल रही है रशिया के बीच और यूक्रेन के बीच प्लस इज़राइल की जो वॉर चल रही है ठीक है इन सारी चीज़ों की वजह से और कोविड नाइन्टीन ठीक है इन सारी चीज़ों की वजह से जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो चुका था तो ये रिपोर्ट कहती है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो दोबारा से रिबाउंड करेगा 2024 की अगर हम बात करते हैं कुछ डिसरप्शन पॉइंट्स हैं जैसे रेड सी की बात कर लो ब्लैक सी हो गया है ना ये चोकिंग पॉइंट्स होते हैं तो यहाँ पे लॉजिस्टिकल चैलेंजेस फेस किए जाते हैं अब इन चैलेंजेस की वजह से जो ट्रेड में कॉस्ट होती है वो भी बढ़ेगा प्लस सप्लाई चेन में डिसरप्शन भी आएगा अब थोड़ा सा यूनिक टेड के बारे में जान लेते हैं इस बॉडी को 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था एज परमानेंट इंटरगवर्मेंटल बॉडी यानी कि ये एक मेन अथॉरिटी है किसकी यू एन जी ए जनरल असेंबली की इन इंसफेयर ऑफ़ ट्रेड एंड डिवेलपमेंट नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा शिंकुन लापात से संबंधित जो आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ना इन्होंने एक रोड बनाई है जो कि कनेक्ट करती है बहुत इम्पॉर्टेंट रोड फ्रॉम मनाली टू ले कहाँ से होके जाएगी दारचा और निम्बू ऑन कारगिल ले हाईवे ये देखो मैप में ये जो ब्लू से दिख रही है ना यहाँ मनाली है और ये ले है ठीक है तो ये जो रोड है इसी को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है ये जो रोड है ये ना सिर्फ छोटी है यानी कि टाइम जो है कम लगेगा बट सिर्फ एक ही पास से होके गुजरती है कौन सा है शिकुल्ला जो शिंकुल्ला पास है ये कनेक्ट करता है लाहौल और स्पीति को इन हिमाचल प्रदेश विथ जांचकर वैली इन कारगिल लद्दाख इम्पोर्टेंट है इसको लिख लो कहीं ठीक है ये जो रोड है ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी को इंश्योर करेगी टू लद्दाख रीजन नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कल्याणा चालुक्या डायनेस्टी से संबंधित काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी जो कि प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी देखो हाल फिलहाल ना 900 साल पुरानी कन्नड़ इंस्क्रिप्शन को पाया गया है डिस्कवर किया गया है एट गंगापुरम महाबूब नगर डिस्ट्रिक्ट ये जो इंस्क्रिप्शन है ये है कल्याणा चालुक्य डायनेस्टी से अब आर्क्योलॉजिस्ट ने पाया है कि चौदम्मा टेम्पल के पास एक हेरिटेज प्रिजर्वेशन कैंपेन के दौरान इस इंस्क्रिप्शन को पाया गया है ये जो इंस्क्रिप्शन है ये कब की है जून एट इलेवन थर्टी फोर सी यानी कि ये एक रिकॉर्ड टोल टैक्स रेमिशन है फॉर अ टेम्पल लैम यहाँ देखो मैप में ये जो आपका पर्पल में एरिया या पिंक में एरिया दिख रहा है ना ये पूरा क्या है आपका चालुक्यास डायनेस्टी ठीक है और जो रेड में है ना ये इनकी मेजर सिटीज दिखाती है थोड़ा सा हम अब अब डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं चालुक्यन डायनेस्टी इन्होंने सेंट्रल इंडियन को ऑफ डेकन को रूल किया था बिटवीन सिक्सथ एंड ट्वेल्थ सेंचुरी इनके पास तीन क्लोजली रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट डायनेस्टीज थी कौन कौन सी चालुक्यास ऑफ बदामी जिन्होंने सिक्सथ से एट्थ सेंचुरी तक रूल किया था फिर चालुक्यास ऑफ कल्याणी जिन्होंने जिनको हम वेस्टर्न चालुक्यास कहते हैं और चालुक्यास ऑफ वेंगी जिसको हम ईस्टर्न चालुक्यास भी कहते हैं ये जो वेस्टर्न चालुक्य एम्पायर है ना इसको कल्याणी चालुक्या भी कहा जाता है जिन्होंने वेस्टर्न डेकन और साउथ इंडिया को रूल किया था फ्रॉम टेंथ टू ट्वेल्थ सेंचुरी प्राइमरि द दा कन्नडिगा डायनेस्टी इनके नाम से ही एक कैपिटल सिटी है कल्याणी जो एम्पायर फाउंड किया गया था वो किसके द्वारा था ताइलापट्टू टू किसके रूल के ड्यूरिंग राष्ट्रकुटा ठीक है इन्होंने राष्ट्रकुटा को डिफीट किया था 973 में यानी कि 973 सीई ई में तब जाके इनका रूल आया था फिर ये जो डायनेस्टी थी ये पीक पे पहुंची किसके अंडर विक्रमादित्य सिक्स के अंडर जिनको हम या उस एरा को हम क्या कहते हैं चालुक्या विक्रमा एरा काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जो रूल है इसको एक्सपेंड किया गया था डेकन और सदन इंडिया में आफ्टर डिफीटिंग चोलास और बहुत सारी इन्होंने टेरिटरीज ली चोला से फ्रॉम कावेरी रिवर टू नर्मदा रिवर एडमिनिस्ट्रेशन जैसे आप जानते हैं हेरिडिटरी था लेकिन बहुत सारी टेरिटरीज उनके फ्यूडेटरीज के द्वारा मैनेज की जाती थी वेस्टर्न चालुक्या या फिर हम जिनको क्या कहते हैं कल्याण कल्याणा चालुक्यास ये पंच मिंटेड पंच मार्क्ड गोल्ड क्वेंस को इशू करते थे जिनका नाम था पगोड़ास ठीक है अब प्रिलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा पगोडास पे। तो पगोड़ास बुद्धिज़्म से रिलेट करके मत आ जाना वहाँ पे भी होते हैं लेकिन पगोडास क्या है मिंटेड पंच मार्क गोल्ड कॉइन्स जो कि वेस्टर्न चालुक्याज के टाइम पे इशू किए जाते थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में देख लो इन्होंने कन्नड़ और तेलुगु लिटरेचर में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है और इनका जो आर्किटेक्चर है ये एक लिंक है किस किसके बीच में बदामी चालुक्य आर्किटेक्चर ऑफ एथ सेंचुरी और होयसाला आर्किटेक्चर इसीलिए इसको क्या किस नाम से जाना जाता है गड़क स्टाइल टेम्पल इसको नोट कर लेना गड़क स्टाइल टेम्पल ये कहाँ पे था ये तुंग भद्रा कृष्णा दाव रीजन में ये टेम्पल्स पाए जाते थे या फिर ये स्टाइल के टेम्पल्स पाए जाते थे इनकी जो टेम्पल्स थे ये रिलीजियस और सेक्युलर थीम दोनों बताते थे कौन कौन से टेम्पल्स मल्लिकार्जुन टेम्पल हो गया बेलरी का सिद्धेश्वर टेम्पल हो गया हावेरी का, कालेश्वर टेम्पल हो गया दवनगिरी डिस्ट्रिक्ट का तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट चालुक्य डायनेस्टी से संबंधित आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल है कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आई ट्रिपल सी इसको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इनाग्रेट किया है एज अ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, जो कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में काम आएगा यानी कि एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आएगा इसमें बहुत सारी चीज़ें यानी कि टेक्नोलॉजी इंक्लूड रहेंगी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा रिमोट सेंसिंग रहेगा ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम रहेगा ये क्या करेंगी ना टेक्नोलॉजी डेटा को कलेक्ट करेगी और प्रोसेस करेगी ऑन वेरियस एग्रीकल्चर पैरामीटर्स यानी कि टेम्परेचर रेनफॉल क्रॉप ईल्ड्स और प्रोडक्शन एस्टिमेट्स अभी कैसे काम करेगा उसको समझ लेते हैं देखो ये जो है ना फ़ार्मर स्पेसिफिक यानी कि हर एक इंडिविजुअल फार्मर स्पेसिफिक एडवाइजरी देगा कौन कौन सी ऐप के थ्रू किसान ई मित्रा जैसे मान लो एक किसान है ठीक है खेत पे काम कर रहा है उसके उसने यहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा डाल दिया है यानी कि यूरिया ज़्यादा डाल दिया है लेकिन अभी उसको ज़रूरत नहीं थी तो ये जो आई ट्रिपल सी है ये उस किसान को बताएगा ऐप के थ्रू इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि भैया यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है तुम बल्कि दूसरी खाद डालो और आने वाले टाइम पे ऐसी रेनफॉल होने वाली है ऐसा टेम्परेचर होने वाला है फिर अगर किसान इस चीज़ को फॉलो करता है उसके बाद ये एस्टिमेट भी करेगा कि कितनी जो ईल्ड है वो होगी ठीक है तो ये सारी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा आपका आई ट्रिपल सी ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है ये काफ़ी रेवोल्यूशनरीइिंग टेक्नोलॉजी है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी तो ये था हमारा आज का डिस्कशन थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन